सिलवासा नगर पालिका विस्तार में वार्ड नंबर 4 के काउंसलर नीलेश मायावंशी अपने वार्ड के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने हेतु लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस जनसंपर्क का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो वंचित लोग हैं, जिन्होंने इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं, उन सभी लोगों को इस योजना का लाभ कैसे लेना है, इस विषय पर लोगों के बीच जाकर प्रकाश डाल रहे हैं। सिलवासा नगर पालिका के युवा काउंसिलर नीलेश मायावंशी द्वारा किस प्रकार का जनसंपर्क किया जा रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भाजपा के युवा नेता हैं और जिस तरह से आपने जो मुहिम चलाया है अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में, कि जो आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो वंचित लोग हैं उनको सुविधा मुहैया करवाने के लिए आप तरह तरह के मीटिंग कर रहे हैं, लोगों के साथ जन जागरूकता कर रहे हैं, लोगों में इस बात का एक संदेश दे रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम रहता है आपका और क्या इसमें लक्ष्य है आपका? पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनने वो ये मुहिम चलाई जो प्रधानमंत्री आवास योजना वाला। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना का 400 घर मेरे वार्ड से पास हुआ है और मैंने पास करवाया था। तो उसमें एक दिन हमारी मीटिंग हुई थी टाउन हॉल में मीटिंग हुई, तो वहाँ के प्रधानमंत्री आवास योजना वाले को सबको बुलाया था, तो वहाँ सबको किसी को पता कुछ समझ में नहीं आया था। तो मेरे को लगा और मेरे पास सब लोग आए भी थे कि बोले नीलेश भाई उसमें क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे भरना है, क्या करना है। तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं बोला चलो एक मीटिंग कर लेते हैं, जैसे गली गली में जहाँ जाके सब गली गली मोहल्ला में जाके मीटिंग करता हूँ, क्योंकि मैं वार्ड नंबर 4 का मैं काउंसिलर हूँ, इसलिए मेरे को ऐसा लगा कि नहीं मेरे को जाना चाहिए उनके पास। तो मैं गया उधर उनके पास को समझाया, मैंने उनको यही समझाया और मीटिंग भी कल हमारी हुई। कल मीटिंग में मैंने वो डिस्कस किया और हमारे जो ग्रुप थे उनको बुलाया था कि मैं बोला कि चलो साथ में सब हम मिलके सबको समझाएं, और हम लोग ने कल मीटिंग में यही समझाया जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ भाती है वो तो उनको तो मिला ही है, और जो बाकी रह गए हैं तो उनको हम और दिलाना प्रयास करने के लिए तैयार कर रहे हैं हम लोग। और जब चालू यहाँ होंगे तो उनको ये समझा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स लग रहा है वो आप रेडी करके रखो, और जब चालू हो जाएंगे तो तुरंत भर देंगे और उनको भी मिल जाएगा लाभ। तो मैं चाहता हूँ तो कोई बाकी ना रहे, इसलिए मैं गली गली और मोहल्ला मोहल्ला जाके मीटिंग कर रहा हूँ, और मेरा हर दिन दो दो मीटिंग मेरे गली मेरे वार्ड में चालू रहती है। मैं आज भी मीटिंग करूँगा, कल भी मीटिंग है और संडे को भी मीटिंग है मेरी। मैं 4 दिन ये मुहिम चला रहा हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि सब ये प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ है वो सब ले, और जो गरीब लोग जहाँ से जैसे यूपी बिहार महाराष्ट्र और बंगाल ये जहाँ से सब आते हैं इधर काम करते हैं और बहुत गरीब लोग रहते, तो बहुत सालों से इधर रहते तो उनको क्या करते हैं भाड़ा भरने का कोई रहता नहीं है, पैसा नहीं रहता। ये प्रधानमंत्री ने एक स्कीम इधर चालू की थी, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री को भी, और हमारे नटू भाई XMP उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तभी नटू भाई ने भी बात छेड़ी थी जब MP थे तभी, और हमारे राकेश भाई प्रेसिडेंट उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और हमारे अजय भाई उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और CO साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, और हमारे जो मेरे वार्ड में जो मेरे ग्रुप के हैं सब मेरे साथ में, उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो एनी टाइम मेरे साथ में रह के कुछ भी काम हो तो मेरे साथ में रहते हैं और कंधा से कंधा मिला के मेरे साथ में काम करते हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और चाहता हूँ कि ये जो सिलवास में जो भी बाकी है, जो अपना नगर पालिका वार्ड में जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना का जो भी बाकी है उनको बोलना चाहता हूँ कि जो रह गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, वापस चालू होने वाला है, आप वापस उनको भरना, जब डॉक्यूमेंट्स रेडी रखेंगे जब चालू हो जाएगा तब आप भर लीजिएगा।